अगले दिन हम पहुंचे शिवानंद आश्रम और वहां पर हमने ग्रहण किया स्वादिष्ट प्रसाद। आश्रम में चारों तरफ लिखे हुए थे बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल कोर्स। कुछ समय आश्रम में व्यतीत कर हमने अपने मन को शांत किया और फिर हम निकल गए पास में ही बने कुछ और योग आश्रमों को देखने। गंगा जी तो हर जगह वही रही थी। अगले वीडियो में आपको ऋषिकेश के कुछ और व्यंजन भी देखने को मिलेंगे।